ईश्वर, जिन्हें हम अनेक नाम से जानते हैं, जैसे कि भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध या महावीर जैन। लेकिन क्या हम ईश्वर का सही अर्थ जानते हैं? आखिर कौन थे भगवान? इन जैसे कई सवालों के जवाब हम इस द गॉड्स थ्योरी सीरीज के चैप्टर 1 द डेफिनेशन ऑफ गॉड के एपिसोड्स में जानेंगे। तो चलिए इस सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। हम जिस भी धर्म के ईश्वर को देखें, हमें वो इंसानी रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लेते बताए गए हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में प्रॉफेट मोहम्मद, क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट और हिंदू धर्म में तो ऐसी कई घटनाएं पुराणों में बताई गई हैं जब भगवान पृथ्वी पर किसी मानव या किसी और जीव जंतु का रूप लेकर आए हैं। तो इन सब बातों से यह पता चलता है कि ईश्वर का ईश्वरीय रूप किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हमारे पुराणों और वेदों में ऋषि मुनियों द्वारा ईश्वर के ईश्वरीय रूप का चित्रण कराया गया है और उनके बारे में अनेक चीज़ों का विश्लेषण किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की रचना 3 देवों से मिलकर हुई है और वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और इसी के साथ साथ उनके रूपों का चित्रण भी किया गया है जिन्हें आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये तो इंसानों से बहुत ज़्यादा मेल खा रहे हैं, है ना? बस फर्क इतना है कि इनके कई भुजाएं अर्थात हाथ हैं और भगवान शिव की तो तीसरी आंख भी है और इनके पास कई अनेक शक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो उन्हीं शक्तियों से ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। तो हम सब इन सब बातों से इस कंक्लूजन पर आते हैं कि भगवान या ईश्वर एक अलग ही जाति है जिन्हें हम इंसानों की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता होगी कि भगवान इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को इतने डीप में एक्सप्लेन किया, ऐसा क्यों? ये आपको एंड में पता चल जाएगा। बहुत लोग भगवान को एक शक्ति या पावर बताते हैं कि भगवान एक शक्ति है जो इस संसार का संचालन कर रही है। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो फिर हम इंसान भी एक शक्ति ही हुए, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि भगवान का शरीर बहुत हद तक इंसानों की तरह है। उनकी भी 2 आंखें हैं, एज यूजुअल 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 नाक है और 2 कान हैं, जैसा कि हमें पुराणों से पता चलता है। तो एक बायोलॉजिकल बॉडी एक पावर या एनर्जी कैसे हो सकती है? बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि भगवान या ईश्वर के पास अनेक शक्तियाँ हैं जिससे वो संसार का संचालन कर रहे हैं। अगर भगवान इंसान भी नहीं, शक्ति भी नहीं, तो फिर आखिर है क्या? क्या हो अगर मैं कहूँ कि भगवान एक पास्ट का पल रही यानी एंशियंट एलियन है? इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में ट्रिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम हैं, और ट्रिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम में आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितने प्लैनेट्स होंगे जो अर्थ की तरह ही अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आते होंगे, और हैबिटेबल जोन में आने के कारण उन पर लाइफ 90% पॉसिबल होगी। इसका मतलब कि इसकी पूरी गारंटी है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है और करा करती होगी भी। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनमें से एक एंशियंट एलियन लाइफ हमारे सोलर सिस्टम और अर्थ की उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन में मदद की हो, जिसके कारण हम उसे आज अल्लाह, भगवान या फादर कहकर पुकारते हों? अभी ये सब बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बट एक मिनट, ये एलियंस कौन होते हैं? बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन उनसे कई ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। कोई नहीं, इसे हम लोग और अच्छे से अगली वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स।